डियर पेरेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स, प्यारे शौर्य वीरों, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे एंड जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को इंतज़ार था राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स के एडमिशन नोटिफिकेशन का। द लॉन्ग वेट इज़ ओवर। फाइनली आरएमएस ने एकेडमिक सेशन 2023-24 में क्लास सिक्स और क्लास नाइन्थ में एडमिशन के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और आज इस वीडियो में हम समझेंगे इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड सभी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आरएमएस के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन जान करके। लेट मी टेल यू, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आने वाले फुली रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं जो कि क्लासेस सिक्स से ट्वेल्थ तक के स्टूडेंट्स को हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। अब बात करेंगे नंबर ऑफ आरएमएस इन इंडिया की, तो राजस्थान, कर्नाटक और हिमाचल में इन ऑल मिला करके पांच राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स हैं। हिमाचल में मिलिट्री स्कूल है चैल में, राजस्थान में दो मिलिट्री स्कूल्स हैं अजमेर और धौलपुर में, और दो हैं कर्नाटक में बेलगाम और बेंगलुरु में। और इन स्कूल्स में एडमिशन सिक्स और नाइन्थ दोनों ही क्लासेस के लिए लिया जाता है थ्रू अ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जिसको कि हम बोलते हैं CET। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू ऑनलाइन एप्लीकेशंस। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ऑनलाइन एप्लीकेशंस 10 सितंबर 2022 से शुरू हो रही हैं और लास्ट डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने की है 10 अक्टूबर 2022। एग्जामिनेशन की डेट अभी क्लियर नहीं की गई है या डिक्लेयर नहीं की गई है। डेट डिक्लेयर की जाएगी एट अ लेटर स्टेज और आपको फाइनल डेट ऑफ एग्जामिनेशन एसएमएस या ईमेल के थ्रू इन्फॉर्म कर दी जाएगी। हाउएवर एग्जामिनेशन कहीं ना कहीं होगा दिसंबर के मंथ में, ये आप ज़रूर ध्यान रखिएगा एंड प्लान योर स्टडीज अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो एग्ज़ाम है CET, ये किस टाइप का एग्ज़ाम है। ये एक OMR बेस्ड टेस्ट है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको इसमें मिलते हैं, ऑफलाइन एग्ज़ाम है ये, और इसका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर किया जाएगा समवेयर इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। अब स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझने का है यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो आइए सबसे पहले समझते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन। यदि आप क्लास सिक्स में एडमिशन चाहते हैं तो यू शुड हैव पास्ड क्लास फाइव, या फिर आप क्लास फाइव में अभी अंडरगोइंग भी हैं तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं प्रोवाइडेड डेट ऑफ एडमिशन तक आपकी क्लास फिफ्थ क्लियर होनी चाहिए। एंड सिमिलरली यदि आप क्लास नाइन्थ के लिए अपनी एप्लीकेशन फिल कर रहे हैं तो यू शुड हैव पास्ड क्लास एट्थ, या फिर आप क्लास एट्थ में अगर अंडरगोइंग भी हैं तो भी फॉर्म भर सकते हैं, बट ध्यान रहे एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपकी क्लास एट्थ क्वालिफाइड होनी चाहिए। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज एज क्राइटीरिया। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ, क्लास सिक्स्थ में बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए ही एडमिशन ओपन है और इसके लिए 31 मार्च 2023 को आपकी एज 10 से 12 साल के बीच में होनी चाहिए, यानी कि डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2013 के बीच में होना चाहिए। हाउएवर क्लास नाइन्थ में जो एडमिशन है इट इज़ ओपन ओनली फॉर बॉयज़, और क्लास नाइन्थ में एडमिशन के लिए आपकी एज 31 मार्च 2023 को 13 से 15 साल के बीच में होनी चाहिए, दैट इज आपका डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2008 से लेकर के 31 मार्च 2010 के बीच में होना चाहिए, राइट। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज जो भी स्टूडेंट्स वार्ड्स हैं ऐसे पेरेंट्स के दैट वर किल्ड इन एक्शन, तो उनके लिए 6 मंथ्स का एज रिलैक्सेशन एप्लीकेबल है। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू एडमिशन टेस्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया, आरएमएस एडमिशन टेस्ट लेता है जिसको कि हम बोलते हैं सीईटी, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। सबसे पहले जानिए क्लास सिक्स का जो एंट्रेंस टेस्ट है
उसका कॉम्पोजिशन क्या है। सिक्स के एग्जाम में इंग्लिश, इंटेलिजेंस, मैथमेटिक्स एंड जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस आते हैं। सभी सेक्शन से 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इंग्लिश क्वालिफाई करने के लिए आपको मिनिमम उस सेक्शन में 35% मार्क्स स्कोर करने हैं और इंटेलिजेंस, मैथमेटिक्स एंड जीके सेक्शंस को क्वालिफाई करने के लिए आपको मिनिमम 40% मार्क्स स्कोर करने हैं। एंड अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट हियर इज इंग्लिश के जो मार्क्स हैं दे आर जस्ट ऑफ क्वालिफाइंग नेचर, ये मार्क्स आपकी फाइनल मेरिट में ऐड नहीं होते। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू क्लास नाइन्थ। क्लास नाइन्थ में जो आपका एग्जाम है वहाँ पर दो पेपर्स होते हैं। पेपर वन कंसिस्ट ऑफ इंग्लिश, हिंदी एंड सोशल साइंस, जिसके कि इंग्लिश के 50, हिंदी के 20 और सोशल साइंस के 30 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। एंड पेपर टू कंसिस्ट ऑफ मैथ्स एंड साइंस, मैथ्स के 50 क्वेश्चंस एंड साइंस के भी 50 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। एंड इन दोनों ही पेपर्स को क्वालिफाई करने के लिए आपको मिनिमम 50% मार्क्स स्कोर करने हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे रिजल्ट की। तो रिजल्ट आपका आरएमएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर डिक्लेयर किया जाएगा एंड रिजल्ट के बाद में एक क्वालिफाइड जो स्टूडेंट्स हैं उनका मेडिकल फिटनेस टेस्ट भी कंडक्ट किया जाएगा। सो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन इस नोटिफिकेशन से संबंधित मैंने आपको बता दी है। ऑनलाइन एप्लीकेशंस के लिए आप राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट www.rashtriyamilitaryschools.edu.in पर विजिट करके अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशंस फिल कर सकते हैं। और ध्यान रहे, ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करने से पहले आप अपने पास में डॉक्यूमेंट्स जैसे कि आपकी फोटोग्राफ, सिग्नेचर, पेरेंट्स के सिग्नेचर, ये सब डॉक्यूमेंट्स एंड पेमेंट करने के लिए जो भी आप मेथड यूज करेंगे उसकी डिटेल्स रेडी रखिएगा सो दैट आप अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन बिना किसी हर्डल के सबमिट कर सकें। और आरएमएस क्लास सिक्स और क्लास नाइन्थ के एग्जाम की बेहतरीन तैयारी के लिए डाउनलोड कीजिए शौर्य भारत ऐप। शौर्य भारत ऐप के विशिष्ट फीचर्स जैसे कि लाइव क्लासेस, प्रैक्टिस सेट्स, लाइव एग्जाम्स, डाउट बॉक्स, ई बुक्स एंड वीडियो लेक्चर्स देंगे आपकी तैयारी को एक नई दिशा, एक नया डायरेक्शन। आप सभी को उज्जवल भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।